आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। महानगर पालिका की गाड़ियों में आए दिन कभी बैटरी चोरी तो कभी कांच का फूटना, ऐसी किस्म की कई वारदातें होते रहती है। जबकि महानगर पालिका में लाखों रुपए की लागत से दो दो गेट बनाए गए हैं, बावजूद उसके गाड़ियों की बैटरी चोरी होने की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले भी कुछ रोज़ कुछ महीनों पहले गाड़ियों की कहीं बैटरी के चोरी होने की वारदात सामने आई थी, जिसको लेकिन शनिचर के रोज़ रात में फिर गाड़ी नंबर 2386 की बैटरी चोरी होने की वारदात सामने आई। सवाल ये यहाँ पर खड़ा होता है कि कौन है वो चोर जो महानगर पालिका की गाड़ियों में लगी बैटरियों की चोरी करता है। क्या इतना आसान हो जाता है महानगर पालिका में आकर महानगर पालिका की गाड़ियों की बैटरी को चोरी करके निकल जाना, जबकि यहाँ पर बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं, वॉचमैन लगाए गए हैं, जिनकी एक अच्छी खासी अक्सरियत, एक बड़ी तादाद वॉचमैनों की यहाँ मौजूद है। उसके बावजूद यहाँ खड़ी हुई गाड़ियों की, महानगर पालिका की गाड़ियों की बैटरी आप देख सकते हैं, ये महानगर पालिका की गाड़ी नंबर 2386 है, जिसकी शनिचर के दिन बैटरी चोरी हो गई, जिसकी फरियाद अभी तक मालेगांव महानगर पालिका ने पुलिस स्टेशन में फरियाद दर्ज नहीं करवाई। और भी अधिकारी शामिल है या नहीं है ये एक सवाल है, लेकिन ये चोरी का होना एक बड़ी गंभीरता की बात है कि मालेगांव महानगर पालिका की गाड़ियों से बैटरी चोरी कैसे हो जाती है और चोर पकड़ा क्यों नहीं जाता।